आइडियाज और इनोवेशन अगर आपके मन में है और हमारी मार्केट जो है वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तभी आप देखेंगे इजराइल फलस्तीन का झगड़ा हो रहा है, रशिया यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया झगड़ रही आपस में, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप में कुछ नहीं हो रहा है, वो शांत बैठे और वो कभी लड़ेंगे भी नहीं। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे तो यूरोप की हिस्ट्री में आपको ऐसे कई वॉर देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस का एक ऐसा युद्ध था, बैटल ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों तक उनका युद्ध चलता रहा। जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वर्ल्ड वॉर में और कोल्ड वॉर में यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। बर्लिन में कुछ दीवार बन गई थी, बर्लिन में द वॉल ऑफ बर्लिन, और ये जो आया जाता है अंबुजा सीमेंट का, भैया ये दीवार गिरती क्यों नहीं, ठीक है, बर्लिन वाली दीवार गिर गई थी, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गए थे। तो उन लोगों ने उस समय आज से 70-80 साल पहले उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा और समझ लिया कि ये युद्ध में वॉर में ऐसी चीजों में कुछ नहीं रखा है, सोशल इंटीग्रिटी के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस चीज के कारण उन्होंने लड़ना छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे बढ़ गए हैं, हर चीज में, और वो सामान जो है वो हमें बेचा जा रहा है। छोटे छोटे देश, फिनलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है, नोकिया की कंपनी है, कोरिया सैमसंग वहां की कंपनी है, तो बहुत छोटे छोटे देश जो है वो बना रहे सामान और उसे बेच रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया भी अब कई मामलों में बहुत आगे जा रहा है और आज की जो यूथ है उसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सफल होना है, टेक्नोलॉजी में डूबे बगैर। समझिए इस पॉइंट को, टेक्नोलॉजी में डूबे बगैर। इंस्टाग्राम के रील्स और इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप आ जाते हो, टिकटॉक बैन हो गया, रील शुरू हो गए, स्टोरी शुरू हो गए, पागलपन शुरू हो गया, स्नैपचैट शुरू हो गए, भूख लगी हुई है, मेरा छोटा एक फ्रेंड है मोहल्ले का, हम उनके साथ खाना खाने के लिए गए हैं, भूख लगी हुई है, क्रेविंग हो रही है, 10 मिनट के बाद डिश आई खाने के लिए, जैसे टूटा मैं, कहता भैया रुको 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 रुको, स्टोरी डाल, स्ट्रीक भेजनी होती है, ठीक है। बर्थडे ईव्स के ऊपर, बर्थडे में तो केक काटते काटते एक शाम पहले भी केक काटते हैं और उसके बाद अगले दिन सरप्राइज भी बोलते हैं, काहे का सरप्राइज जब एक शाम पहले केक काट तो दिया तुमने, ठीक है। फिर स्टोरी डालेंगे, फिर कमेंट्स देखेंगे कितने कमेंट्स आए, ये जो फितूर है, ये जो पागलपन है, ये कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगा और जिस दिन खत्म होगा उस दिन समय निकल चुका होगा और वो जो इरिटेशन आपके मन और जहन में रह जाएगी फिर वो आने वाली जनरेशन पे उतरेगी जैसे हमारे ऊपर उतरेगी।